हाय सभी को, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि हमारा शरीर ऊर्जा कहाँ पे खर्च करता है। जो पहले तो मैं एक दो बातें आपसे कह देना चाहता हूँ कि जो भी बोर्ड पे मैं लिखता हूँ वो मेरे समझने के लिए आप सिर्फ उतना सुन के समझ सकते हो जितना मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिनको हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश में लिखा हुआ समझ में नहीं आता। तो ये सिर्फ इसलिए है ताकि मैं कुछ भूल जाऊँ तो मैं यहाँ से पढ़ करके याद करके बोल दूँ। अगर आप लोगों को इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है तो आप उसकी तरफ देखो ही मत, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और उसे समझो, आपको उससे पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आता तो मेरे को कमेंट में लिख दो कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हिंदी में होना चाहिए लिखा हुआ भी, तो अगर काफ़ी लोग ऐसा कहेंगे तो फिर मैं देखूंगा अगर मेरे को हिंदी में लिखना है तो। लेकिन आप अगर इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हो, नहीं समझ पाते हो, तो आप इसकी तरफ देखो मत, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, वो सिर्फ मेरे को देखने के लिए है कि मेरे को अगर कुछ भूल जाऊँ तो मैं यहाँ से देख लूँ। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा शरीर कहाँ पे एनर्जी मतलब ऊर्जा खर्च करता है। हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारा शरीर जो ऊर्जा खर्च करता है उसे हम कैलोरीज में नापते हैं। इंग्लिश का शब्द है, कैलोरीज में बोला जाता है, और किलो कैलोरीज और कैलोरीज हम एक ही तरीके से बात करते हैं। किलो कैलोरीज को ही छोटे में कैलोरीज बोल देते हैं, होते अलग अलग हैं, पर जो शरीर के लिए ऊर्जा खर्च होने की बात होती है वो किलो कैलोरी में होती है। तो हमारा शरीर ऊर्जा कहाँ खर्च करता है? हमारा शरीर मेन तीन जगह पे ऊर्जा खर्च करता है, खास तौर में तीन जगह पे ऊर्जा खर्च करता है। मतलब जो ऊर्जा खर्च करता है उसे हम तीन भागों में बांट देते हैं। पहला, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तब भी आपका शरीर जिंदा रहने के लिए जो ऊर्जा खर्च कर रहा है वो। दूसरा, आप कुछ कर रहे हो, मान लो आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, आप घर का काम कर रहे हो, आप हिल रहे हो, डुल रहे हो, मैं हाथ उठा रहा हूँ, इसमें ऊर्जा खर्च हो रही है, ऐसा, ये दूसरा हो गया। तीसरा, जो खाना आप खाते हो उस खाने को पचाने में। ये तीन ही तरीके से हमारा शरीर ऊर्जा खर्च करता है, वैसे समझ लो। पहला हो गया कि जब आप मान लो कुछ भी नहीं कर रहे हो, बिस्तर पे पड़े हो, तो आपका शरीर ऊर्जा खर्च कर रहा है। वो किस चीज़ में कर रहा है? आपका दिल है वो धड़कता है, आप सांस लेते हो वो आपके फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से आपके दिल के पास जाती है, वो दिल से खून में मिल करके पूरे शरीर में जाती है। वो जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को काम लेकर के हमारे शरीर में जो सेल होते हैं वो अपने अंदर कई रिएक्शन करते हैं, मतलब कई सारी चीज़ें करते हैं। वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर सेल के पास पहुंच रही है, इस कारण से हम जिंदा है। तो अगर आप बिस्तर पे लेटे हुए भी हो तो भी आपका शरीर जो काम कर रहा है, दिल धड़कना या ये जो सेल तक ऑक्सीजन पहुँचने के बाद में वो जो भी काम कर रहे हैं हमें ज़िंदा रखने के लिए, उन सब में ऊर्जा खर्च होती है। फिर जैसे हमारा शरीर है वो एक तापमान बना के रखता है, एक टेम्परेचर बना के रखता है। अगर हमें मान लो हमारे शरीर का एक तापमान होता है, अगर बाहर बहुत ठंड है फिर भी हमारा शरीर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करेगा, उस तापमान को बना के रखने में ऊर्जा खर्च होती है। ऐसी कई और चीज़ों में हमारा शरीर ऊर्जा खर्च करता है। तो मतलब अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे तब भी हमारा शरीर ऊर्जा खर्च कर रहा है। एक तो यहाँ पर ऊर्जा खर्च हो रही है, मतलब एनर्जी बर्न हो रही है, एनर्जी यूज़ हो रही है, मतलब वो एनर्जी कैलोरीज में, तो हम यूँ कह सकते हैं कैलोरीज बर्न हो रही है, कैलोरीज यूज हो रही है। ये जो पड़े पड़े बिस्तर पे पड़े पड़े हमारा शरीर जो ऊर्जा खर्च कर रहा है इसको BMR कहते हैं। इसके बारे में हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात करी हुई है। लगभग आप पूरे दिन में जितनी ऊर्जा खर्च करते हो, जितनी कैलोरीज खर्च करते हो, उसका 65-75% ये हिस्सा इसका होता है। मतलब अगर आप दिन भर में 2000 कैलोरी ऊर्जा खर्च कर रहे हो तो लगभग उसका 65-75% हो गया 1300-1500 कैलोरी यहाँ से आता है। ये कोई एकदम ज़रूरी नहीं है, ये एक आम नॉर्मल इंसान के लिए जो पूरे दिन अपनी दिनचर्या का काम कर रहा है उसके लिए है। हो सकता है किसी के लिए कोई पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा है तो उसने मान लो खर्च ही मान लो 1500 करी, तो उसका तो 100% ही उसमें खर्च हुआ और उसने कुछ खाया पिया भी नहीं, तो उसका तो 100% इसमें खर्च हुआ। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है 65-70% एक अंदाज़ा देने के लिए, हो सकता है इससे कम हो सकता है इससे ज़्यादा हो। दूसरा हो गया, जो भी हम पूरे दिन में
हमारा शरीर हिलाते हैं। ये तो हो गया कि अगर हम शरीर नहीं हिलाएंगे तब भी ये सब चीज़ें, ये ऊर्जा खर्च होगी। अगर हम शरीर हिलाते हैं तो मैं खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, जिम में मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कसरत कर रहा हूँ, मैं ये हाथ उठा रहा हूँ, मैंने ये बोर्ड पे इतना सब लिखा, इसके लिए मेरा हाथ हिला, मैं मान लो बाल्टी उठा रहा हूँ घर में, मैं भाग रहा हूँ, मैं खो खो खेल रहा हूँ, मैं टेनिस खेल रहा हूँ, मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, मैं घर के काम कर रहा हूँ, किसी को मम्मी को सामान पकड़ाना है तो सामान पकड़ा रहा हूँ, चल करके यहाँ से उस कमरे तक गया, वहाँ से कुछ सामान ले करके आ रहा हूँ, इन सब चीज़ों में हम वॉकिंग कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं उसमें। अगर कोई प्राणायाम कर रहा है, अनुलोम विलोम कर रहा है तो उसमें, अगर आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, मान लो ऐसे ऐसे अब अपने शरीर की स्ट्रेचिंग कर रहे हो, तो उसमें जहाँ पे भी आपका शरीर हिल रहा है वहाँ पे ऊर्जा खर्च हो रही है। ये ऊर्जा लगभग पूरे दिन में हम जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं उसका 20 से 40% रहती है। मतलब ये फिर एक अंदाज़ा है, हो सकता है इससे कम हो, इससे ज़्यादा हो सकता है। आप पूरे दिन बिस्तर पे पड़े थे तो आपने कुछ हिले ही नहीं, मान लो कुछ खाया भी नहीं, तो आपने एक तरीके से आपके लिए 0% है, मतलब 20% या 40% नहीं है। तो ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, एक नॉर्मल आदमी जो जो काम कर रहा है उसमें लगभग इतना रहता है। तो अगर 2000 कैलोरी आप पूरे दिन में आप खा रहे हो तो लगभग 4000, या पूरे दिन में 2000 कैलोरी आपकी शरीर ऊर्जा खर्च कर रहा है, तो लगभग इसमें 400-800 कैलोरी समझ लो आप, जो भी आपका शरीर हिला करके आप जो भी फिजिकल एक्टिविटी से कर रहे हो उससे आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है। ये सिर्फ एक अंदाज है, हो सकता है किसी की ज़्यादा हो रही है, हो सकता है किसी की कम हो रही है, सिर्फ एक समझाने के लिए। तीसरा, जो आप खाना खाते हो उसे पचाने में हमारा शरीर ऊर्जा खर्च करता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। इसे अगर, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आपको इसके बारे में इंटरनेट पर और देखना हो तो आप ये जो लिखा हुआ है इसे सर्च कर लो, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, इसे छोटे में TEF भी कहते हैं। अगर मैंने मान लो दिन भर में 3000 कैलोरी खाई, तो उसे पचाने में लगभग, खाने को पचाने में, जितना खाना हम खाते हैं उसे पचाने में लगभग 10% खाना उसे पचाने में ही लग जाता है। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैंने दिन भर में 3000 कैलोरी खाई तो लगभग 300 कैलोरी, जो कि उसका 10% है, 300 कैलोरी की जितनी एनर्जी है, वो जितनी ऊर्जा है वो उस 3000 कैलोरी को पचाने में चली जाएगी। तो मान लो मैंने दिन भर में 3000 कैलोरी खाई तो 300 कैलोरी उसे पचाने में चली गई, तो मेरे पास बची 2700 कैलोरी। ये जो 2700 कैलोरी है ये बाकी कामों को करने में काम आएगी। तो आप ऐसा मान सकते हो जिन दिन भर में जितना आप खाना खा रहे हो उसका लगभग 10% उस खाने को पचाने में चला जाता है। तो 10% हटा के जो 90% बचता है, 90% बचता है, वो बाकी कामों के लिए वो ऊर्जा काम आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, अगर आपको कोई कुछ पूछना है, बताना है तो कमेंट में लिख दो, अगर आपको चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपको इस चैनल के आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन चालू कर दो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। बाय बाय।